Hello everyone. So our today's topic is motion. Today we'll study about motion. So let's start. Motion. So what is motion? Motion is when an object is moving with respect to another object. मतलब जब हम एक ट्री के कंपैरिजन में देखें कि एक कार मूव कर रही है, व्हीकल मूव कर रहा है रोड पे, तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन. नाउ सी, अ बॉय इज रीडिंग अ बुक. बॉय मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा, बॉय की पोजीशन सेम है. दैट मींस बॉय इज नॉट शोइंग मोशन. नाउ सी, अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड. अभी वो बिल्डिंग के क्लोज है, बट वो मूव करके बिल्डिंग से दूर आ गई. पहले कार की पोजीशन थी ए, अब है कार की पोजीशन बी. सो कार की जो पोजीशन है वो बिल्डिंग के कंपैरिजन में चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव, इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एंड इट चेंजेस विद टाइम. टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होती है एंड विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो. नाउ टाइप्स ऑफ मोशन देखिए. फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो पूरा मूव करता है. लाइक एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका हर एक पार्ट मोशन शो करता है. उस ऑब्जेक्ट का हर पार्ट मूव करता है. जैसे एक व्हीकल मूव कर रहा है रोड पे, एक स्विंग चाइल्ड स्विंग पे झूल रहा है, एक बर्ड फ्लाई कर रही है, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट? अब ट्रांसलेशनल मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर. रेक्टिलिनियर जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. एज यू कैन सी अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ट्रेन मूव करती है स्ट्रेट लाइन में. कर्विलिनियर जब एक ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव करता है. जैसे कार मूव कर रही है, एक टर्न ले रही है कर्व्ड पाथ में, दैट इज कर्विलिनियर मोशन. अदर एग्जांपल्स आर, जैसे एक आप स्टोन को थ्रो करो, वो ऊपर जाके नीचे आएगा, तो जो स्टोन ने पाथ कवर किया दैट इज ऑल्सो कर्व्ड पाथ, दैट इज कर्विलिनियर मोशन. नाउ नेक्स्ट इज आवर सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन मीन्स क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सपोज टेक अ स्टोन, उसको एक रोप से टाई करिए एंड देन मूव करिए. यू कैन सी इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ये सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, राइट? हर तरफ से डिस्टेंस इसका सेम होगा. सिमिलरली फैन को देखिए, फैन भी कौन सा मोशन शो करता है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मूव करता है. नाउ सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो नोन एज रोटेशनल मोशन. इसमें क्या होता है, आप देखिए एक फैन मूव करता है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड. एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जब मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन. मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स लाइन. एक एक्सिस होती है, उसके अराउंड मूवमेंट होता है, दैट इज रोटेशनल मोशन. पीरियोडिक मोशन, वो मोशन जो हर थोड़े टाइम के बाद, हर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉक का पेंडुलम है, जहाँ से मूव करना शुरू करता है वहीं दोबारा आ जाता है. अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे. क्लॉक होती है, क्लॉक के हैंड्स जहाँ से मूव करना शुरू करते हैं वहीं आके दोबारा रिपीट करते हैं. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन.